hope you all are fine. So in this video we are going to see the explanation of unit 4, the sky. Okay, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस यूनिट में हमें क्या गिवन है एंड देन जो क्वेश्चन गिवन है उसके हम आंसर्स सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 4, द स्काई. एंड हियर वी हैव पिक्चर रीडिंग. ठीक है, सो यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स गिवन हैं. सो हम देखेंगे कि पिक्चर के अंदर क्या गिवन है. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रीट गिवन है. ठीक है, यहाँ पे रोड है. राइट, और यहाँ पे हमें एक शॉप दिखाई दे रही है. ओके, यहाँ पे एक शॉप है एंड वो क्या है, गुड. यहाँ पे हमें ME लिखा हुआ है बट इट इज़ अ मीट शॉप. ठीक है, सो गुड मीट. और यहाँ पे एक बुचर खड़ा हुआ है जो कि मीट सेल करता है. ठीक है, जो मीट सेल करता है उसे बुचर कहते हैं. ओके, एंड द स्पेलिंग इज BUTCHER, बुचर. ठीक है, ये रहा बुचर. ऑलराइट, देन नेक्स्ट हमें देखो क्या दिखाई दे रहा है. यहाँ पे लेफ्ट में एक मैन है जो कि सामान लेके जा रहा है मार्केट से. ठीक है, मार्केट से उसने अपना नेसेसरी सामान परचेस किया है और वो घर लौट रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमें एक ब्लॉक कार्ट देखने को मिल रहा है. ठीक है, इस ब्लॉक कार्ट पे एक आदमी बैठा हुआ है जो उसे चला रहा है. ठीक है, और यहाँ पे उसने सामान रखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे जूट बैग्स रखे हुए हैं जिसमें ग्रेन्स हो सकते हैं. ठीक है, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, अनियन गार्लिक कुछ भी हो सकता है. ओके, यहाँ पे एक ओल्ड मैन मार्केट जा रहा है. राइट, अब यहाँ पे लेफ्ट यहाँ कॉर्नर में देखते हैं. सो इस कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक लेडी जा रही है और उसके साथ उसका डॉग है. यहाँ पे एक आदमी जा रहा है जो कि साइकिल पे है. ठीक है, यहाँ पे ये आदमी साइकिल पे जा रहा है. ठीक है, और लेफ्ट में क्या दिख रहा है, लेफ्ट में हमें दिख रहा है कि यहाँ 3 boys and 1 girl. ओके, ये चारों एक साथ खेल रहे हैं और ये दो बॉयज़ जो हैं वो टॉप्स के साथ खेल रहे हैं. ओके, दीज टू आर प्लेइंग विद टॉप्स. और ये जो दो हैं वो उन दोनों को देख रहे हैं. अब राइट हैंड साइड हमें दिख रहा है कि एक आदमी अपने सेलफोन पर बात कर रहा है. ठीक है, और थोड़ा यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये आदमी अपने गोट्स को लेके जा रहे हैं. ठीक है, ये सारी क्या है, गोट्स. ठीक है, सो ये आदमी अपने गोट्स को लेके जा रहा है. फिर यहाँ पे हम थोड़ा और कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक वेजिटेबल मैन दिखाई दे रहा है. ठीक है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, तो ये मैन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सेल कर रहा है. यहाँ पे हमें दो डस्टबिन दिखाई दे रही हैं. ठीक है, एक ब्लू कलर की डस्टबिन है और एक ग्रीन कलर की डस्टबिन है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में भी हमें एक मार्केट का सीन दिखाई दे रहा है. ठीक है, जहाँ पे एक स्ट्रीट है. ठीक है, इसको स्ट्रीट बोलेंगे और इसके दोनों साइड्स क्या है, शॉप्स हैं. यहाँ पे भी शॉप्स हैं और इधर भी देखो शॉप्स दिखाई दे रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ढेर सारी शॉप्स हैं, ये सब शॉप्स बनी हुई हैं. और यहाँ पे भी देखो ये सारी शॉप्स बनी हुई है. ठीक है, यहाँ पे टेरेस पे हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं. टेरेस पे 3 बच्चे हैं और ये उनके फादर हैं. ठीक है, यहाँ पे एक स्टडी पॉइंट का बोर्ड रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई ट्यूशन क्लासेस हो सकता है चला रहा हो. यहाँ पे एक कैट है, यहाँ एक टायर पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक वुडन फ्रेम पड़ी हुई है, इधर ट्री है. ऑलराइट, उसके बाद थोड़ा जूम करके देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक मैन है जिसने ब्लैक कलर के चश्मे पहने हुए हैं. ठीक है, और उसके हाथ में एक वाइट स्टिक है. ओके, सो दिस मीन्स दिस पर्सन इज़ ब्लाइंड. ठीक है, ये पर्सन क्या है, ब्लाइंड है, यानी कि इस मैन को दिखाई नहीं देता और ये इस स्टिक की हेल्प से चल रहा है, अपना रास्ता फाइंड आउट कर रहा है. ठीक है, अब ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनके हाथ में ये स्टिक की होता है ताकि उस स्टिक की हेल्प से वो लोग ये देखते हैं. ठीक है, कि उनके सामने कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है, कोई चीज़ नहीं आ रही है, नहीं तो वो उनसे टकरा जाएंगे. ओके, फिर यहाँ पे भी हमें एक गोट दिखाई दे रही है, ये डॉग दिखाई दे रहा है. यहाँ पे विमेंस हैं जो कि ये दो बात कर रही हैं और ये परचेज कर रही हैं. ये वेंडर है जो
जो कि इनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है, और ये सब अपनी ज़रूरत की चीज़ें मार्केट से परचेज कर रहे हैं। ओके, सो हमने पूरा पिक्चर डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। सो पिक्चर्स को हमें देखना है और आंसर करना है। फर्स्ट हमें गिवन है, व्हाट कैन यू सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। अब ये जो स्ट्रीट है, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रीट है इसके दोनों साइड हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी शॉप्स हैं और यहाँ पे भी शॉप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी शॉप्स हैं। सो देर आर शॉप्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। तो इसका आंसर ये रहा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। आंसर है, आई कैन सी मैनी शॉप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। अब सेकेंड क्वेश्चन है, वाई आर देयर टू डस्टबिन। ठीक है, हमने पिक्चर में देखा था कि दो डस्टबिन थी, एक ग्रीन थी और एक ब्लू थी, राइट। तो दो डस्टबिन क्यों रखी गई है। डू यू नो वाई वन इज़ ब्लू एंड दी अदर इज़ ग्रीन इन कलर। और एक ब्लू और एक ग्रीन क्यों है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो आंसर देखो, टू डस्टबिन आर यूज टू कीप वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट सेपरेट। फर्स्ट हमें पूछा था कि दो डस्टबिन क्यों होती है। तो दो डस्टबिन इसलिए होती हैं ताकि वेट यानी गीला वेस्ट जो है और ड्राई वेस्ट यानी कि जो सूखा कचरा है, सूखा वेस्ट है, उन दोनों को सेपरेट रखा जाए, ठीक है। सो द ग्रीन डस्टबिन इज़ यूज फॉर वेट वेस्ट। जो ग्रीन कलर की डस्टबिन है उसमें वेट वेस्ट डाला जाता है यानी कि जो गीला कचरा है वो उसमें डाला जाता है। एंड ब्लू डस्टबिन इज़ यूज फॉर ड्राई वेस्ट। और ड्राई वेस्ट किस में डाला जाता है, ब्लू कलर की डस्टबिन में डाला जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट नंबर थ्री, व्हाई इज़ द मैन इन डार्क ग्लासेस होल्डिंग अ वाइट स्टिक। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि एक मैन है जिसने ब्लैक ग्लासेस पहने हुए हैं और उसके हाथ में वाइट कलर का स्टिक है। नाउ व्हाई इज़ ही होल्डिंग अ स्टिक, बिकॉज द मैन इज़ ब्लाइंड। ओके, सो आंसर क्या आएगा, बिकॉज द मैन इज़ ब्लाइंड, द स्टिक हेल्प्स हिम नेविगेट हिज सराउंडिंग एंड अवॉइड ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, वो पर्सन ब्लाइंड है और स्टिक की हेल्प से वो नेविगेट करता है यानी कि वो अपना रास्ता बनाता है कि उसके रास्ते में कोई आ तो नहीं रहा है, कि वो किसी से टकरा ना जाए। ऑलराइट, देन नंबर फोर, डू यू नो विच टॉय द बॉयज आर प्लेइंग विद। जो बॉयज़ हैं वो किस टॉय से खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट पिक्चर था उस पिक्चर में बॉयज़ खेल रहे हैं, ठीक है, किससे खेल रहे हैं, टॉप्स से खेल रहे हैं। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा द बॉयज़ आर प्लेइंग विद टॉप्स। देन नंबर फाइव, हाउ मेनी ब्लॉक कार्ड्स आर देयर इन द पिक्चर। पिक्चर के अंदर कितनी ब्लॉक कार्ड्स हैं। ओके, सो हम ब्लॉक कार्ड्स फाइंड आउट करेंगे। इस पिक्चर में कोई भी ब्लॉक कार्ड हमें नहीं दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, टॉप पे भी हमें नहीं दिखाई दे रही है, और इस पिक्चर में हमें एक ब्लॉक कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इन टोटल वी हैव ओनली वन ब्लॉक कार्ड इन द पिक्चर। ओके, सो आंसर हम लिखेंगे, देयर इज़ वन ब्लॉक कार्ड इन द पिक्चर। ठीक है, वन ब्लॉक कार्ड है इसलिए आंसर होगा देयर इज़ वन ब्लॉक कार्ड इन द पिक्चर। नेक्स्ट नंबर सिक्स, नेम द डिफरेंट एनिमल्स इन द पिक्चर। अब पिक्चर के अंदर कौन से एनिमल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें लिखना है, ठीक है। सो द डिफरेंट एनिमल्स इन द पिक्चर आर, पिक्चर के अंदर है ऑक्स, कैट, डॉग एंड गोट्स। ये फोर एनिमल्स हमें पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हमने सभी सिक्स क्वेश्चन के आंसर लिख लिए हैं। यहाँ पे हमारा यूनिट होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।